नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन डी थ्री सस्पेंशन के बारे में, उसके डोजेस के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसे उपयोग करने के तरीके के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है और इसके अलावा आप इसे कहाँ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप इसे आपके नज़दीकी ही उप स्वास्थ्य केंद्रों से इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक रुपया देने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकारी अस्पताल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई प्रत्येक निःशुल्क सुविधा को इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अब हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन डी थ्री सस्पेंशन के बारे में। तो हेलो दोस्तों, हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हेलो दोस्तों, कुछ समय बाद हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण तरह हमें कैल्शियम हमें अपने भोजन से प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारणवश हमारे डॉक्टर हमें कैल्शियम की टेबलेट अथवा सीरप लेने की सलाह देते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण हमारे कमर में और घुटनों में और रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगता है, जिससे डॉक्टर हमें कैल्शियम की टेबलेट अथवा कैल्शियम का सीरप हमें यूज़ में लाते हैं। वैसे कैल्शियम की टेबलेट और सीरप आपको दोनों ही एक जैसे काम करते हैं, पर कुछ लोगों को कैल्शियम की टेबलेट लेने में एलर्जी होती है और इस कारणवश डॉक्टर आपको कैल्शियम का सीरप यूज़ करने के लिए बोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैल्शियम का यूज़ हम अपने हड्डियों के विकास तथा दांतों के विकास में करते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं भी कैल्शियम के कारण आपके शरीर में दर्द हो रहा है, जैसे घुटनों में, कमर में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार। डॉक्टर की सलाह अनुसार ही आप इसके डोजेस और इसके उपयोग डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से बताते हैं। तो आप वैसे खाना खाने के बाद इसे एक एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को ले सकते हैं, और साथ ही आपको इसके साथ दूध लेना भी आवश्यक है और कुछ हरी सब्जियां और पोषक आहार खाने चाहिए, जिससे आपको आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति बनी रहे। तो हेलो दोस्तों, आप इसे यदि 30 वर्ष के हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और आप 15 प्लस के हैं और आपको किसी कारणवश कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस सीरप का यूज़ कर सकते हैं। जो लोग जो रेसर हैं उन्हें ज़्यादातर कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दौड़ करने के कारण हड्डियों का ज़्यादा रिसाव होता है। तो कुछ लोग जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो इस सीरप का अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनके शरीर में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। तो आप जिसे जो फौज की तैयारी करते हैं तो उसे आप नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्रों से इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये टेबलेट की फॉर्म में भी मिल जाता है और कैल्शियम सीरप की फॉर्म में भी मिल जाता है। तो हेलो दोस्तों, इसे लेने के बाद कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे इसे लेने के बाद आपको उल्टी की शिकायत भी हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है, और कुछ आपकी ट्रीटमेंट के हिसाब से कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट जब तक आप इस कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन डी थ्री का यूज़ करते हैं, जब तक ये साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं, और ये कोर्स ख़त्म होने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप इस कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन डी थ्री का यूज़ एक बार करके देखें, जिससे आपके जोड़ों और कमर के दर्द की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई प्रत्येक निःशुल्क सुविधा इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, एक और बात, यदि आप इस सीरप का यदि कभी भी किसी चीज़ का यूज़ करें तो आप इसकी एक बार एक्सपायरी तिथि और उत्पादक तिथि अवश्य कर लें। धन्यवाद।